नदीम है विद्योर इंग्लिश लेसन और आपको पता है जब मैं कलेक्टिवली ग्रेड नाइन और टेन का लेसन करती हूं तो क्या होता है ग्रामर और ग्रामर में हम आज क्या करेंगे मैं आपको दो मिनट में बताती हूँ मैंने आपको अभी एक सेंटेंस कहा था कि जब मैं कलेक्टिवली ग्रेड नाइन और ग्रेड टेन को पढ़ाती हूँ तो क्या पढ़ाती हूँ ग्रामर राइट आई नीड यू टू रिमेम्बर दिस सेंटेंस क्योंकि ये सेंटेंस मैं लेक्चर के बीच में कभी भी आपसे पूछूंगी एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट आई हैड सेड ठीक है तो आज का लेसन किस बारे में है हम अभी एक मिनट में जानते हैं कि व्हाट द लेसन ऑफ टूडे इज अबाउट अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत आसान टॉपिक है जिसको आप बहुत टेंशन लेते हो आपको पता है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन आती है अच्छे खासे फाइव मार्क्स की उसकी वेटेज होती है एक भी आपने जरा सी माइनर सी गलती कर दी तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और अगर हर सेंटेंस में एक माइनर से गलती हो गई तो यू विल कम डाउन टू टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव तो हमने कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी कोई गलती की कोई भी गलती का ऑप्शन नहीं देनी एग्जामिनर को कि वो हमारे उनमें से मार्क्स डिडक्ट करें फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है अभी मैंने आपको लेसन की बिगनिंग में एक जुमला कहा था ठीक है मैंने ये कहा था कि जब मैं ग्रेड नाइन और ग्रेड टेन को कलेक्टिवली पढ़ाती हूँ तो ग्रामर पढ़ाती हूँ ठीक है दैट वॉज वॉट आई वॉज स्पीकिंग डायरेक्टली टू यू मैंने डायरेक्ट आपसे कलाम किया था ठीक है दैट वॉज माई डायरेक्ट स्पीच टू यू

फिर ये कहोगे कि मिस फाइजा ने हमें बताया कि वो जब भी ग्रेड नाइन और ग्रेड टेन को कलेक्टिवली पढ़ाती हैं तो वो ग्रामर पढ़ाती हैं ठीक है थीके? दोनों स्पीचेस में डिफरेंस देखा है दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेट्स गो टू द लिटरल डेफिनेशन द लिटरल डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच से एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर द स्पीच स्पीच इज टू बी डायरेक्ट स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स हमने कोट कर दिए तो वो स्पीच कहलाती है डायरेक्ट स्पीच ठीक है इसी तरह से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच वेन यू आर नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड बट यू आर रिपोर्टिंग द स्पीकर सेज देन इट्स कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं कोट कर रहे लेकिन आप रिपोर्ट कर रहे हो ठीक है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है कैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है ये डायरेक्ट स्पीच है ठीक है अली सेट अली ने कहा आई एम बिजी नाउ मैं इस वक्त बिजी हूं ठीक है लेट से अली इज माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट ही सेट एल से अली सेट आई एम बिजी नाउ राइट बट इफ आई नीड टू रिपोर्ट इट टू यू अगर मैंने आपको ये रिपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी तो मैं ऐसे करूंगी के मैं यू लिखूंगी आली सेट इंस्टेड ऑफ दीज कोटेशन मार्क्स आई यूज द वर्ड दैट विल चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द

यहां पे है एम तो ये क्या है ये आपका सिंपल पास टेंस है तो ये भी आपका सिंपल पास में कन्वर्ट हो जाएगा दैट ही वॉज बिजी एज सच उतर जाएगा जैसे बिजी था ठीक है ही वॉज बिजी अब आप ये रिपोर्ट कर रहे हो ठीक है आप ये बता रहे हो कि वो उस वक्त कह रहा था कि वो बिजी है उस वक्त अली ने बताया कि वो मसरूफ है अली ने बताया कि वो बिजी है उस वक्त तो नाउ विल चेंज इनटू देन नाउ इज राइट नाउ ठीक है अभी अली ने कहा मैं अभी मसरूफ हूँ अली ने कहा कि वो उस वक्त मसरूफ है ठीक है तो नाउ विल चेंज इनटू देन और फिर फुल स्टॉप ठीक है समझ आ रहा है अली सेट दैट वो कॉन्जंक्शन दैट लगाते हैं हम ये तमाम पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव करके ये आपके स्मीच मार्क और ये कॉमा ये तीनों चीजें जब रिमूव हो जाएंगी तो हम उनकी जगह दैट लगाएंगे और अली उस वक्त बिजी था नाउ विल चेंज इनटू देन ठीक है आपका ये वाला जो प्रोनाउन है ये वाला जो प्रोनाउन है ये आपके इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अग्री करेगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू द द नीड ऑफ सेंटेंस चेंज होगा फर्स्ट पर्सन 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 में person, person में थर्ड एंड एंड सो सो ऑन फोर्थ ठीक है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट सेकेंड में और सेकेंड थर्ड में कन्वर्ट होगा कभी कभी सेकेंड फर्स्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है ठीक है तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द देंटेंस आपने एक और चीज जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो हम दैट नहीं बोलते ठीक है के हम नहीं बोलते तो दिस दैट कैन बी ओमिटेड एट सर्टेन प्लेसेस कहीं कहीं ये दैट आपका ओमिट भी किया जा सकता है सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस दैट को आप नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन जो आपका सिंपल सेंटेंस है सिंपल डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपने दाट लाजमी लगाना है अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स एक सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेट आई एम अनवेल ठीक है ही सेट उसने कहा मैं बीमार हूं ठीक है अब हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट तो करेंगे उसने कहा था मैं बीमार हूं ठीक है अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम कैसे करेंगे उसने कहा था कि वो बीमार है ठीक है कैसे करेंगे He said will come as it is. अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस तो आपने इस दैट के इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इन पंक्चुएशन की जगह लगाया दैट ठीक है ये आपका फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन है ये आपका चेंज हो जाएगा सेकेंड पर्सन में ठीक है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सिंपल पास है ये पास टेंस में चेंज हो जाएगा ठीक है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा एंड यू विल एंड इट विद अ फुल स्टॉप ठीक है He said that he was unwell. ठीक है कोई गलती नहीं करनी कोटेशन मार्क्स रिमूव किए कॉमास रिमूव किया चेंज किया second पर्सन में फुल स्टॉप properly सेंटेंस के बाद में लगाया डायरेक्ट स्पीच की जो पंक्चुएशन है उसका अपने बहुत ध्यान रखता है ही सेट के बाद कॉमा लगेगा ठीक है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपका स्पीकर है जो कह रहा है जब उसका आप सेंटेंस शुरू करेंगे तो उस सेंटेंस को उस स्पीकर के अल्फाज से कॉमे से सेपरेट करेंगे ठीक है कॉमे से सेपरेट करेंगे कॉमे के बाद आपके कोटेशन मार्क्स आएंगे ठीक है कॉमे के बाद आपके कोटेशन मार्क्स आएंगे सेंटेंस को आपने जिस भी पंक्चुएशन सिंबल से एंड करना है वेदर इट्स अ क्वेश्चन मार्क वेदर इट्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क वेदर इट्स अ फुल स्टॉप योर कोटेशन मार्क्स विल एंड आफ्टर दैट पंकचुएशन के मार्क्स होते हैं इसमें कोई गलती नहीं करना हमेशा आपके स्पीच या स्पीकर के वर्ड्स के बाद आपने कॉमा डालना है उसके बाद आपके कोटेशन मार्क्स स्टार्ट होंगे और जब आपके कोटेशन मार्क्स स्टार्ट होंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंड होंगे और जब वो एंड होने वाले होंगे उससे पहले आपने अपने सेंटेंस के एंड में जो भी रिस्पेक्टिव पंक्चुएशन सिंबल है लेट्स से इट्स अ क्वेश्चन इट्स एन एक्सक्लेमेशन इट्स अ कमांड इट्स अ विश वट यू विल पुट दैट पंक्चुएशन फर्स्ट एंड देन यू विल क्लोज द इन्वर्टेड कॉमर्स लाइक वाइज यू के नोटिस इट ओवर हेयर एज वेल अन वेल के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है ठीक है जो हमने दर रिमूव कर दिया है लेकिन कोटेशन मार्क उस एक्सट्लेमेशन मार्क के बाद में आ रहा है उसके उसको लिखने के बाद में हम उसको इंक्रोज कर रहे हैं इन पंक्चुएशंस का आपने बहुत 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 ध्यान रखना है सबसे पहली चीज जो मैं डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना चाहती थी वो उसकी पंक्चुएशन की प्लेसमेंट है और ये कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है आपका जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके सेंटेंस के अंदर का स्पीच कौन सा होना चाहिए ठीक है अब लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। लेट्स डिस्कस दो ऑन द बोर्ड। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इन डायरेक्ट स्पीच सबसे पहला जो रूल है हमारा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है अगर वो सिंपल पास टेंस में है और आपका अंदर रिपोर्टिंग जो स्पीच है आपका जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो वो में कन्वर्ट हो जाएगा नाइनटी परसेंट डायरेक्ट स्पीच के जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं जो आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें यूजुअली आपका रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में होता है तो जो आपके कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज सेंटेंस है आपने उसके स्पीच को चेक करना है और उसको उसके रिलेटिव स्पीच में चेंज करना है कैसे ठीक है ही सेट माई मास्टर राइट लेटर्स ठीक है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है कैसे ही सेट ये रिमूव किया हमने दैट लगाया ठीक है फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया सेकेंड पर्सन में मास्टर विल रिमेन एज इट इज मास्टर विल रिमेन एज इट इज अब ये राइट है ही सेट दैट हिज मास्टर राइट विल चेंज इन टू रोट ठीक है एंड लेटर्स

वन ऑन वन फुल मार्क्स मिले ठीक है इसी तरह से ही सेट माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स ठीक है अब आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूस की क्या आइडेंटिटी है आई एन जी प्रेजेंट है वर्ब के साथ तो आपने इसको क्या करना है इज राइटिंग है आपने सिंपल इसको वर्स राइटिंग कर देना है He said that his master was writing letters. आ गया समझ में और इसी तरह से अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर आपका परफेक्ट टेंस है क्या आइडेंटिटी है परफेक्ट टेंस की हैज और हैव प्रेजेंट होता है अगर इसके अंदर परफेक्ट टेंस है हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के साथ तो आपने सिंपल इसको हार्ड में कन्वर्ट कर देना है और बाकी सारी आपकी चेंजिंग वैसी की वैसी रहेगी ही रिमूव किया दैट माई विल चेंज टू हिज मास्टर हैड लेटर्स। आसान है मुश्किल नहीं है समझ आ गई ठीक है पहला रूल समझ आ गया अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर आपके ब्रैकेट के या कोटेशन में जिस तरह से भी जो भी टेंस है वो उसके रिलेटिव पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जो जनरल रूल्स है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्वर्जन के वो ये हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले आपने दैट लगाना है ये दैट लगाना है ठीक है ये रिपोर्टेड स्पीच है इससे पहले आपने दैट लगाना है ठीक है प्रोनाउन इज चेंज टू पर्सन ही उसके रेलेटिव प्रोनाउन के साथ उसके रेलेटिव पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा ठीक है

तो भी आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी थी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस है तो भी आपने सिंपल बैट लगाना है और डायरेक्ट स्पीच में कोई चीज चेंज नहीं होगी ठीक है क्लियर रखना ये चीज नाउ विल चेंज इनटू देन टूडे विल चेंज इन टू दैट डे शैल विल चेंज इन टू शुमरो विल चेंज इन टू द डे आफ्टर विल विल चेंज इन टू वट द डे बिफोर सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इन टू परफेक्ट अगर यहाँ सेट है My mother wrote letters, तो फिर आपने इसको change करना था, ठीक है? अगर आपके यहाँ भी पास्ट टेंस है और यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसका जो टेंस होगा वो होगा परफेक्ट ठीक है ये याद रखना हम जब रीनफोर्समेंट करेंगे मैं आपको दोबारा इसको प्रैक्टिस करवा दूंगी डोंट वरी ठीक है मीन वाइल इस चार्ट के ऊपर ध्यान रखना है इस चार्ट को जल्दी से कहीं पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है ताकि जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन कर रही हो ये एक हेल्पिंग सा चार्ट आपके सामने हो और आपको मालूम हो कि आपने कैसे कन्वर्जन करनी है कोई अच्छी बिछी सी गलती भी नहीं करनी कि मुबादा हम लोग अपने मार्क्स लूज कर लें ठीक है दस विल चेंज इन टू सो एंड अगो विल चेंज इन टू

स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस आए हुए हो तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स जी यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं जैसे द सन इज द लार्जेस्ट स्टार ठीक है जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ठीक है जैसे द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ और अगर ये आपके स्पीच में प्रेजेंट होंगे तो यू विल नॉट चेंज द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो आपके डायरेक्ट स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा जैसे ये आपका क्वेश्चन है द अर्थ गोज राउंड द सन ठीक है इसमें आप सबसे ज्यादा क्या चेंज कर सकते हो आप सिर्फ इसको चेंज करते हो सेट दैट और ये जो आपका कैपिटल लेटर है ठीक है जब भी आप डायरेक्ट स्पीच शुरू करते हो कैपिटल लेटर होता है ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है सिंपल ठीक है और ये सब रिमूव हो जाते हैं और ये सिंपल सा आपका सेंटेंस बन जाता है ही सेट दैट द अर्थ गोज राउंड द सन इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ठीक है इसको याद रखिएगा जब भी आपका यूनिवर्सल होगा यू विल नॉट चेंज ठीक है अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे ठीक है तो उसके लिए हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्ट इंक्वायर्ड इस तरह के वर्ब से चेंज कर देंगे जैसे ही सेट टू मी ठीक है तो हम उसको यू कर देंगे आस्टमी आस्टमी ये हमने इधर आस्ट लगा दिया ठीक है अब हमें यहां दाट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिपोर्टिंग वर्क चेंज कर दिया है ठीक है और अब क्या होगा वॉट यू है थर्ड पर्सन इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे ठीक है आए

थर्ड परसन प्रोनाउन इसको आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देना ठीक है 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 ठीक के साथ हमेशा वर्ब लगता है, ये हमने रूल किया हुआ है ठीक है व्हाट आई वाज डूइंग करेक्ट अगर आपके इंपेरेटिव हो इम्पेरेटिव क्या होती है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट ठीक है अगर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो आप क्या करेंगे आप कमांड्स या रिक्वेस्ट्स के लिए जो वर्ब्स यूज हो सकते हैं वो कर सकते हैं कौन से वर्ब ऑर्डर्ड कमांडेड स्कोल्डेड सो यू कैन यूज ऑल दोज वर्ब्स इफ यू हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हिज फादर सेड टू हिम गो अवे ठीक है हिज फादर Ordered him to go away. His father ordered him to go away. His father said to him to go away. His father ordered him to go away. समझ है ठीक है क्योंकि हमने ऑर्डर लगा दिया है दैट नहीं लगा रहे ठीक है टू गो अवे इन स्टेड ऑफ द कोटेशन मार्क्स ठीक है अगर आपके पास इसी तरह से एक्सक्लेमेशन या विशेज होंगी तो भी आप वो एक्सक्लेमेशन या विशेज के साथ जो रिलेटेबल वर्ड्स है वो यूज करेंगे He said sadly that he was undone. Alas, हम तो आप यहाँ पर ही सैड इन ग्रीफ भी कर सकते हैं लेकिन आपने यहाँ सैडली लिखा है ठीक है ही सेड सैडली दैट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ठीक है ही प्रेजेंट एंस पास्टेंस ही सेट सैडली दैट ही वॉज अंड सारे हमने

और अगर आप अभी ताजा ताजा ये लेक्चर सुन के ताजा ताजा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर एंड अ बेटर कॉन्सेप्ट ठीक है थोड़ी सी री कर लेते हैं। ही said आई डोंट बिलीव यू अब ये सिंपल सेंटेंस है ठीक है ही said दैट हमने इधर लगा लेना है ठीक है इनको रिमूव करके दैट लगा लेना है आई विल चेंज इंटू ही प्रेजेंटेंस विल चेंज इन टू पास और ही डिड नॉट बिलीव दिस फर्स्ट पर्सन विल चेंज इन टू

german is or was easy to तो ये इट्स करेक्ट इन बोथ वेस ठीक है

तो हम कहेंगे द स्ट्रेंजर आस्ट वेयर आई हैड लिव्ड ठीक है डो विल चेंज इन टू हैड

ठीक है कमांस और इंपेरेटिव का आप सब्जेक्ट भी अपना ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं ठीक है ही सेट ब्रावो यू हैव डन वेल तो आप इसको क्या करेंगे ये आपकी एक्सप्लेनेशन है ही सेट अब्रावो हैपीली वी हैड डन वेरी वेल ठीक है चेंजेस मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट की है तो आके आपको क्लियर हो जाए He said happily that we had done very well. Clear cheez. Subches Tike Alice exclaimed How clever I am Alice exclaimed in amazement. Tike apni Tarif kariye तो अपनी ही सरप्राइज हो रही है एलिस एक्सक्लेम्ड इन अमेजमेंट दैट शी वाज वेरी क्लेवर। हाउ क्लेवर आई एम ठीक है वो कह रही है यार मैं कितनी क्लेवर हूं ठीक है तो वो अपने आप को सरप्राइज कर रही है अमेज हो रही है तो एलिस ने अमेजमेंट में एक्सक्लेम किया कि यार मैं कितनी क्लेवर हूं ठीक है एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर द डे सेट डाउन बॉयज द टीचर सेड द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सेट डाउन ठीक है समझ आया द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सेट डाउन ठीक है डायरेक्ट स्पीच उसके रूल्स डिफरेंट सेंटेंसेस की एग्जाम्पल और री एनफोर्समेंट सब मैंने करा दिया और अब अगर मेरे किसी बच्चे का कोई भी मार्क्स कम आया तो फिर उसको बहुत डांट फिटे ठीक है इनफोर्स करो गो थ्रू द लेक्चर अगेन इफ यू हैव नॉट एनी थिंग ठीक है मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिया है मैंने आपको हर चीज की एग्जाम्पल लाइव ऑन द बोर्ड करके दिखाई है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस एंड यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स बहुत ध्यान रखो पढ़ते रहो प्रैक्टिस करते रहो इनशा विल मीट टुगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय देन अल्लाह हाफि